अब हम एक कंसेप्ट समझते हैं एनर्जी डेंसिटी का। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रिक फील्ड, समझना। जहां चार्ज होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, राइट। और साथ में इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होगी जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो वो एनर्जी कहां है? फॉर एग्जाम्पल ये दो चार्ज एक दूसरे से इंटरेक्ट कर, क्यू वन क्यू टू चार्ज आर सेपरेशन है, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी सी क्यू वन क्यू टू बाय आर। तो एनर्जी कहां है, राइट। तो हम एज्यूम कर रहे हैं जहां जहां भी इनका इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां वहां एनर्जी होगी, राइट। तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरे यूनिवर्स में, इसका मतलब इनके जो इंटरेक्शन से पोटेंशियल एनर्जी बनी है उसका जो स्प्रेड है वो पूरे यूनिवर्स में, राइट। इसके अपोजिट अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दोनों पे इक्वल और अपोजिट चार्ज दिए, तो यहां भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब देखते हैं वो कहां होगी, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है। हम जानते हैं कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है और नॉन जीरो, बट बाहर जीरो होता है। इसका मतलब इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जीरो है, सिर्फ अंदर ही है। दैट मीन्स जो इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो भी कैपेसिटर के अंदर की स्पेस में ही होगी, बाहर नहीं होगी, राइट। तो जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी होनी चाहिए। अब हम निकालने जा रहे हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी होगी। एनर्जी डेंसिटी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में निकालने जा रहे हैं, ऐसे आगे के चैप्टर्स में हम मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे, राइट। तो अभी हम बात करते हैं इस केस की। तो देखो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया हमने, इसका वन साइड एरिया ए है प्लेट्स का, सेपरेशन डी, चार्ज दिया हमने इक्वल और अपोजिट, क्यू चार्ज दिया, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा ई, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट या क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब हम इसकी एनर्जी निकालते हैं, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की एनर्जी है क्यू स्क्वायर बाय टू सी, सी की वैल्यू रखो, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ठीक है। क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो क्या करता हूं मैं देखना, एप्सिलॉन नॉट ए से यहां पे मल्टीप्लाई करता हूं और डिवाइड करता हूं, इनटू डी, ठीक है। अब ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए डी। अब समझना मुझे निकालना है एनर्जी डेंसिटी, नाउ दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एक सीधा सा लॉजिक है, इस कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मतलब एनर्जी डेंसिटी भी हर जगह सेम होनी चाहिए, जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है दैट शुड बी आल्सो यूनिफॉर्म। सो टोटल एनर्जी और वॉल्यूम का रेशियो ले लो, तो एनर्जी हमने निकाली, वॉल्यूम क्या होगा कैपेसिटर के अंदर की स्पेस का, एरिया इनटू सेपरेशन ए डी, ए डी इज वॉल्यूम, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी, तो यहां पर हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। अब समझना ध्यान से,
एनर्जी डेंसिटी इतनी आ गई, तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वहां पे इतनी एनर्जी डेंसिटी है। अब ऑल दो हमने इस केस के लिए इसको डिराइव किया, बट इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल केसेस। दैट मीन्स जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगी, ठीक है, उस रीजन में यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी होगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, तो अगर किसी भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो वहां की एनर्जी डेंसिटी का ये एक्सप्रेशन होगा, राइट, और उसके थ्रू आप वहां की एनर्जी निकाल सकते हैं। एक और बात, हमने मीडियम के अंदर फ्री स्पेस माना है, तो फ्री स्पेस में ये एनर्जी होगी, मतलब वैक्यूम। और यही अगर किसी दूसरे मीडियम की बात की जाए तो क्या होगा, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है ई, तो वहां की एनर्जी डेंसिटी क्या होना चाहिए, बस परमिटिविटी की वैल्यू बदल जाएगी, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर वो एनर्जी डेंसिटी बन जाएगी इन डाइलेक्ट्रिक।